दुनिया में कई ऐसे वाकयात रोनुमा होते हैं जो खुद बखुद तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, जिनसे माजी, हाल और मुस्तकबिल का दर्स मिलता है। ऐसे ही वाकयात में एक तकसीम हिंद में मुसलमानों की हिजरत है। सदियों तक साथ रहने और एक दूसरे की खुशी गम में शिरकत करने वाले पलक झपकते ही जान के दुश्मन बन गए। तकसीम हिंद दास्तानों की ऐसी किताब है जिसका हर सफ़ा खून के आंसू रुलाता है। घर छुटे, जायदादें लुटी, बेटियां कुएं में डूब मरी, तो कहीं बाप औलाद को बचाते बचाते दम तोड़ गया। लुटे पिटे काफले, बिछड़ने वाले प्यारों को ढूंढती आंखें, इंतजार, उम्मीद और वसवसों के साथ नई जिंदगी की इब्तिदा। मेरा नाम महमूद अनवर बाटा है, मेरी वल्दियत मोहम्मद इब्राहिम बाटा है, मेरे दादे का नाम मोहम्मद दीन मियां मोहम्मद दीन है, मेरे नानी के जो उस वक़्त उनकी उम्र तक वो अंदाज़ा यही है कि वो होगी 60 साल की होगी, तो मैं उस वक़्त अपने घर से थाने वाले बाज़ार, बड़ा मशहूर है कोतवाली बाज़ार गुजरांवाले का, बहुत मशहूर है, वो वहाँ रहते थे, तो वो जब आते थे तो मैं अक्सर उनको मिलने के लिए वहाँ जाता था। मैं बिल्कुल बच्चा सा था, छोटा सा बच्चा था, वो मुझे उंगली से पकड़ लेते थे और गली से, उनकी गली बंद थी, गली उनकी बंद थी दोनों तरफ से, वो जब वहाँ से निकलते थे कोने के ऊपर एक लड्डू वाली दुकान होती थी, वो जो बड़े बड़े लड्डू होते हैं वो दुकान होती थी, वहाँ से टोकरी भर के वो लड्डू लेते थे, साथ मुझे, मैं उंगली उनकी पकड़ लेता था, वो पकड़ के फिर हम वहाँ से घंटाघर बाजार में आते। हमारा घर जो है वो अभी भी पुराना घर घंटाघर में ही है, घंटाघर गुजरांवाला, अभी भी मेरा मकान है सर्कल रोड के ऊपर। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का सारा जो अरसा गुजारा है वो जंग जद्दोजहद में गुजारा है। मैं जो था, मैं अपने वालदैन का सबसे बड़ा बेटा था, हम 6 भाई थे 2 बहनें थी। अच्छा, जिसमें से अब हम 3 हयात हैं, 3 दुनिया से चले गए हैं, मैं सबसे बड़ा बेटा था। मैंने जब से वो संभाली है नमाज कभी नहीं छोड़ी। मैं ठीक है, बचपन में बच्चे शरारतें करते हैं, मैं भी बड़ा शरारती था और अक्सर हमारे मोहल्ले की दूसरी गली में, हमारी हमारे मोहल्ले को 4 गलियां लगती थी, एक सर्कल रोड बाज़ार में लगता था, 4 गलियां बाहर लगती थी। अच्छा, वो 4 गलियां जो हैं उसके जो एक गली छोड़कर दूसरी गली में कुम्हार रहते थे, मैं अक्सर उनके बर्तन तोड़ आता था और वो शिकायत लेकर मेरे दादा के पास आते थे, दादा मुझे नज़र आ रहे हैं, मेरे दादा अब मेरी आँखों के सामने बैठे हुए हैं, बाहर दरवाजे के आगे अपने बैठे हुए हैं, जब मैं आके फटाफट आके ना उनकी झोली में छुप जाता, वो मुझे छुपा लेते। मैं बचपन से अल्लाह की मेहरबानी से वालदैन के कहने पे पढ़ने भी जाता था, स्कूल में भी जाता था, फिर उसके अलावा मदरसों में भी तलीम हासिल करता था, दीन की तलीम भी हासिल करता। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो उस वक़्त मेरी उम्र को तकरीबन
13-14 साल होगी। मैं जहाँ पहले इधर अपनी गली में स्कूल थी, गवर्नमेंट स्कूल, उसमें पढ़ता था। फिर अब मैं कुछ क्लासें इधर 5-6 पढ़ी, 6 पढ़ी, और 7वीं क्लास में मैं शहर के बाहर, वो अभी भी स्कूल मौजूद है शेखपुरा रोड के ऊपर गवर्नमेंट हाई स्कूल, वहाँ हम बहुत अच्छी शहर की सबसे बेहतरीन स्कूल वो ही थी। मैं वहाँ पैदल घर से पढ़ने जाता था। मेरा एक दोस्त था, वो अक्सर मुझे आके घर से अपने घर से आता था, गर्जाक से आता था, गर्जाक गुजरा वाला, वहाँ से आता, मुझे साइकिल पे बैठाता और वो ले जाता। जब 7वीं क्लास में मैं पढ़ रहा था तो फिर ये शोर हंगामे शुरू हो गए, ये ऐसे हंगामे शुरू हो गए। हमारे लोगों को, हमारा जो मंदा था ना, गली लोहारा हमारी करवाता था, सर्कल रोड तो अभी भी सर्कल रोड है, सर्कल रोड चार शहर के इर्द गिर्द सर्कल रोड बनी हुई है। वो मंदा जो था हमारा, वो गली लोहारा हमारी करवाता था। लोहार जो थे ना, वो मैं देखता था कि ये, मैं भी दिलचस्पी लेता था इस काम में, मैं बड़ी दिलचस्पी लेता था, मुझे शौक था बचपन से। जब मैं बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, और उस वक्त जब जिस वक्त रहीम पहलवान सुल्तानी वाला गुजरांवाले का मशहूर पहलवान है, वो जो पहलवान जो था, मैं चराती था बच्चा, मेरा एक दफ़ा टांग टूट गई, तो उसने मेरी ये टांग जो है रहीम पहलवान सुल्तानी वाले ने जोड़ी हुई है। वो गामा पहलवान से भी कुश्ती लड़ा हुआ है, वो माँ बख्श पहलवान रुस्ते में जमान से भी, रुस्ते हिंद से भी कुश्ती लड़ा हुआ है। जब मैं वहाँ स्कूल में ही पढ़ता था, तो उस वक्त जो हमारे ये हिंदू सिख जो बच्चे थे जो हमारे साथ पढ़ते थे, उनकी बातों से ये पता चलना शुरू हो गया कि ये उनको हम से ज़्यादा इस चीज़ की वाफियत थी कि हमने क्या करना है, क्या कर रहे हैं, हमने बरूद जमा किया हुआ है, बड़ा कुछ किया हुआ है। क्योंकि ये तरीज तो शुरू हो चुकी थी 1939 से शुरू हो गई थी, तो कायदे आज़म तो कांग्रेस में थे उस वक्त शुरू से। और जब उन्होंने देखा कि ये हमारा पानी भी पीने के लिए तैयार नहीं, मैंने अपनी आँखों से देखा है हिंदू पानी मुस्लिम पानी ये स्टेशनों पे होता था, तो उन्होंने कहा कि जब आप हमारा कोई नहीं, आप झूठ कहते हैं पानी खाने पीने को, और आपने पानी तक हमारा अपना ज़्यादा रखा हुआ, तो तुम्हारा हमारा साथ नहीं निभ सकता। तो फिर उन्होंने सारा इस तरीके को सोच समझ के छोड़ दिया कांग्रेस को, और उन्होंने आज़ादी की मुहिम चलानी शुरू कर दी। और कायदे आज़म जो हैं वो बड़े मुश्किल मजाज के आदमी थे, और हमेशा बड़ी शानदार तकरीर करते थे। उनकी तकरीर में हालांकि बहुत अल्फाज अंग्रेज़ी के भी होते थे, और जो वो बोलते थे उर्दू भी बड़ा अच्छा बोल लेते थे, बड़े पायदार। उनके बाज में इतनी कड़क होती थी कि, और इतना उसके अंदर इतमाद होता था, वो जो सुनने वाले होते थे उनकी बहुत सारी बातें नहीं समझते थे, कहते ये सच्चा आदमी है। उनके ऊपर, कायदे आज़म के ऊपर लोगों को इतमाद हो गया कि ये सच्चा आदमी है, जो ये कहता है सच कहता है, इसलिए वो तरीक ज़्यादा कामयाब हुई। वरना उनके साथ तो ये सारे जितने भी उनके साथी थे, ये तो सारे तकरीबन बहुत बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े टवाने वगैरह, ये जितने भी छः थे ये सारे इनके थे। दौड़ताना ये लाहौर का वज़ीर आला था, ये भी इस ख्वाब में था कि मैं वज़ीर आज़म बनूँ। मेरे सामने पिछली तरफ भी सिख हिंदू रहते थे, मेरे, मैं बताया पहले भी ताशों को, मेरे राइट भी लेफ्ट भी सारे हिंदू सिख रहते थे, और इनकी बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी सिखों, क्योंकि सिखों ने तो वहाँ हुकूमत की है ना, वहाँ तो सिखों को तो अभी भी वहाँ जन्म पुती है, वो बहुत बड़ी सिखों की हवेली है, बहुत बड़ी हवेली, तो उसमें अभी भी जो है
वो पढ़ते हैं, वो जो क्या है ये अपना नबीने पढ़ते हैं। मौलाना यासीन माइग्रेट करके आए थे, मौलाना यासीन माइग्रेट करके आए थे, तो उनके जो थे ना चाचा, वो ग्रामर सूर थे, वो बहुत बड़े यानी अहल अल्लाह थे, अल्लाह वाले थे, और वो जो बात करते थे अल्लाह ताला उनकी बात में इतनी तस्वीर रखी थी। अगर वो कहते थे किसी इंदनी को कह देते थे ना कि बाबड़िए, वो कहते अल्लाह, वो अपना अपना नाम जपते थे ना, गुरु का नाम जपते जुटते थे, तो वो कह देते वो बाबड़िए अल्लाह अल्लाह कर, वो अल्लाह अल्लाह करते घर चली गई। एक दफ़ ये भी वाकया बड़ा मशहूर है, वो चली गई तो वहाँ उसके सारे लवाहकीन आ गए मौलाना साहब के पास कि ये क्या कर दिया हमारे सारे, अब खानदान बड़े परेशान हैं, ये है वो है। तो उन्होंने कहा जा बाबड़िए, तो नाम ही गुरु है, नाम ही जप जा। जब जो ये लड़ाई शुरू हुई ना, उस वक़्त इन्होंने तय किया हुआ था कि हमने क्या करना है, हमने फसाद करने हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं इनसे। तो वहाँ एक हिंदू होता था थाने वाले बाजार, जिधर वहाँ मेरा ननहाल का घर था ना, उसके करीब एक हिंदू रहता था। वो जो हिंदू था ना, वो जब भी कोई किसी को फोड़ा चीरता ना, तो कहता लादा पाकिस्तान कट गया, ये कट गया, वो हो गया, इस तरह की बातें करता था। उससे मुतासर होकर मुसलमानों को तरीक़त तो शुरू हो गई हुई थी, मुसलमानों को पता चल गया कि ये फसाद, मैं आज बताऊँ जो शुरू हुआ था ना फसाद, वो गुजरांवाले से ही हुआ था। ये बड़ा मशहूर गुजरांवाला है, ये पहलवानों को शहर मशहूर है, ये बड़ा यहाँ से फसाद शुरू हुआ। अब फसाद शुरू हुआ, उधर से फौरन कर्फ्यू लग गया, क्योंकि फसाद शुरू हो गया। अब मैं क्या बता रहा हूँ क्या हुए, फसाद शुरू हो गया। फसाद जब शुरू हो गया तो इन्होंने बड़ा बारूद इकट्ठा किया हुआ था कि जब हम जाएंगे कोई निशानी दे के जाएंगे इनको। मैं अपने कोठे के ऊपर दूसरी मंजिल पे सोया हुआ था। हम अक्सर पुराने लोग अपने घरों की छतों पे लेटते थे, तो मैं भी लेटा हुआ था, तो यकदम बारूद इतना बरसा, मेरे से गोलियां इधर से जा रही हैं, इधर से जा रही हैं। मैं उन गोलियों की तड़तड़ाहट में आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर आया। जब कर्फ्यू लग गया, अब हमारे लोग भी उस कर्फ्यू में कर्फ्यू की नाफरमानी करते थे, बाहर निकलते थे, बाहर निकल के जो जो हिंदू की बिल्डिंगें जलानी शुरू, क्योंकि इनको तनाव मिलनी शुरू हो गई कि उधर से वो जला रहे हैं हमारे मुसलमानों को, काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, और ये भी गाड़ियां, फिर इन्होंने भी गाड़ियां रोक ली जब पता चला कि उधर से मुसलमानों को काट काट के भेज रहे हैं, औरतों के साथ बड़ा बहुत ही नाहंजार सलूक कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। ये सारा कुछ जो हो रहा था ना, वो बाद जब उधर से लोग आए ना, फिर इन लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, जो थोड़े बाद बॉर्डर क्रॉस करके किसी ना किसी तरीके से बेचारे पहुँच गए, भूखे नंगे पहुँच गए। तो हमारे जो हमारा जो था ना नाका, हमारा घर, उसके साथ जो बहुत बड़ी बिल्डिंग थी वो भी थी सिखों की, हिंदुओं की। इन्होंने वो चाह खाली करके चले गए, उनको सब पता था कि ये हमने जो जो कर रहे हैं, हम जाना है, लेकिन ख्याल ये था कि हम आएंगे, ये भी बड़ा उनके जेब में था। मैं भी बच्चा था, लेकिन मैं इस तरीके में हिस्सा लेता रहा हूँ बाकायदगी के साथ। हमारे जर्म थे इस तरीके, क्योंकि हमारे बड़े जब वो गुजरांवाला बड़ा स्टेशन जला था, तो मेरा जो दादा था उसको भी पकड़ के ले गए, मेरे अपना चाचा को भी पकड़ के ले गए, और इन उनको तो सजाए मौत हो गई थी मेरे चाचे को, लेकिन अल्लाह ने फिर बरी कर दिया, लेकिन सजाए मौत सेशन कोर्ट से हो गई थी। अच्छा, बहरहाल
ये जो जर्म थे जो हमारे अंदर आज़ादी के, ये तो मैं बचपन में ही कहता था, मुझे बेलचा लेकर दो। जब खालसा तरीक शुरू में खालसा तरीक थी, जो खालसरों का बहुत बड़ा लीडर है ना, वो मैं उसके साथ ऐसे कुर्सी, वो मैं उसके साथ से बैठा हुआ हूँ। वो पहली तरीक, वो उसका बानी वो था, वो अच्छा। तो वो खालसा तरीक जो थी, वो उन्होंने बेलचा पार्टी बनाई हुई थी, मैंने बेलचा रखा हुआ था। और गुजरांवाले में जब आए अपना ये खालसा तरीक के बानी, जब आए तो आके वो जिस घर में ठहरे, मैं उस घर में गया और उनके साथ ऐसे बड़े खामोश थी। वो तकरीर भी उन्होंने की हमारे गुजरांवाले में, वो तकरीर लिख कर करते थे, जो लिख वो बोलते थे देख पर्चा रखते जाते, जो बोलते थे पर्चा लिखते रखते जाते। अब मेरे सामने हैं, वो मेरे सामने हैं, नज़र आ रहे हैं मुझे कि अब वो पर्चा रख रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। उनकी जो नाकामी की वजह थी, वो भी मैं ये कहता हूँ, क्योंकि अब उसकी जो बहू है ना, वो इसकी कन्वीनियर है, वो उसके साथ भी मेरी मुलाकात हुई है। इनका लाहौर साहब से बड़ा दफ्तर लाहौर में है, तो मैं वो उसने मुझे दावत भी दी कि उधर आ। मैंने उस पर बड़े तराजरात किए थे, मैंने कहा वो जब लाहौर में उन्होंने कहा कि लाख आदमी जमा होगा तो वो नाकाम हो गई, तो फिर आपने उस वक्त उन्होंने तो डिस्पर्स कर दी ये तरीक जो थी, लेकिन आप तो अभी भी लिए फिर रहे हैं, इसकी वजह बताना। फिर वो जो भी अपना बताती रही, उन्होंने तो डिफेंड करना था ना अपना, तो वो अभी भी आती जाती है, मेरी उसके साथ बहुत बातें होनी थी। बहरहाल जो असल एक वाकया है इस तरीक का, कर्फ्यू लगा हुआ था, मैं कर्फ्यू की नाफरमानी करके दूसरी साइड पे जाने लगा ऐसे, तो मुझे घंटाघर से ऊपर गोरखा नज़र आ गया। अब ये जो गोरखे जो थे, क्योंकि कर्फ्यू लग गया और ये गोरखे वो हुक्मरानी कर रहे थे, वो कर्फ्यू में सब कुछ वो ही डील कर रहे थे, उनको हुक्म था। अच्छा, अब वो उसने गोली जो मारी 303 की गोली थी, अगर मैं ऐसे ना होता तो मेरे वो मुँह चीर चार के, तो मैं आज आपके सामने ना होता। तरीक शुरू हो गई ना, फिर तो बहुत ही अरूज पे चली गई। फिर इन्होंने घरों को आग लगाने, जो जो हमारी इंफाज में मीडियाँ थी ना बड़ी बड़ी, इनको हमारे लोगों ने आगे आगे लगानी शुरू, तेल फेंक दिए, आग लगा दी, इन्होंने उन्हें घर जलाने शुरू कर दिए। ये तो जब तरीक जोर पकड़ गई ना, फिर हम लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या, हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कायदे आजम जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद, ये नारा होता था। लेकर रहेंगे हम पाकिस्तान, बन कर रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस नारे ने बहुत ही पज़ीराई हासिल की और ये इस नारे से सारे दुनिया में फैल गई। मैं पाकिस्तान की तहरीक तहरीक आज़ादी, हमारा इन लोगों से फटा पड़ गया। इन्होंने ये चाहते थे कि हम रहदा पाकिस्तान ना बनाएं, तो इसलिए लेकर कायदे आज़म समझ गया था कि जब तक ये खिता दूसरा ना लिया जाएगा तो उस वक्त तक हम चैन से ये नहीं बैठने देंगे। वो इनको भांप गए थे, लाशें कटी हुई आ रही थी हमारी बहनों भाइयों की, और ये जो सिखों ने जुल्म किया, बहुत ज़्यादा जुल्म करने वाले सिख हिंदू, उनसे काम लेते थे, ये हमेशा टूट बने रहे हैं। और फिर हमारे घर के साथ एक बहुत बड़ी सिखों की बिल्डिंग थी, उसमें चूँकि ये वहाँ से माइग्रेट करने शुरू मुसलमान आगे शुरू हो गए, ना तो उनके पास कोई खाने को था, ना उनको पहनने था, ना कोई कपड़े थे। हमने जो सिख हिंदू गए थे ना, वो उनका जो भी सामान था उसके अंदर हम जमा करते थे। वो बहुत बड़ी उनकी हवेली थी, वो हमारे घर के कोने के पास थी और अभी याद नज़र आ रही है। और उसके अंदर इतना सामान रखा था, कुछ जो लोग हमसे बड़ी उम्र के लोग थे, जिनके हम पैरोकार भी होते थे जब मीटिंगें होती थी,
तो वो उनके लिए उन्होंने सामान जमा किया, उनको कपड़े देते थे, उनको खाने का अनाज ये वो देते। ये बड़े अमीर लोग थे ना असल में, यहाँ जो थे हिंदू थे, मुसलमान तो दरमियाने दर्जे के लोग थे। ज़्यादा ज़्यादा इनकी एक दो दुकान थी, जिसमें एक मेरे सके भाई की दुकान थी, सके वो कज़न था मेरा, फूफीजाद भाई था, वो रेलवे रेल बाज़ार बड़ा मशहूर है गुजरात, उसके अंदर वो आगे दाल बाज़ार मशहूर है, उसके अंदर वो उसकी दुकान थी। बाकी सब हिंदुओं लोगों को मैंने अपनी आँखों से देखा है कि महाराज महाराज करते चले बोलते बैठे होते थे, हैं, और हिला जाता नहीं था उनसे, तो वो पैसे बकरे ज़्यादा रखते थे, और नोट कौन से देखी मैंने बहुत कम है, दमड़ियाँ देखी हैं, पैसे देखे हैं, देने देखे हैं, तगे आने दुआनियाँ ये देख, वो ज़्यादा जमा करता जाता था। और उस ये जो सारा जो आए थे इनके, फिर इन्होंने मकानों के अंदर भी बसाना शुरू कर, खाली कर गए थे ना वो, इन्होंने लोगों को मकानों के अंदर बसाना शुरू किया। कोई भाई बाद में तो जो कुछ दिखाओगे कहाँ देखा जाएगा, अब आपने अपने हिसाब से इन्होंने उनको बसाना शुरू कर दिया, बड़ा उनका इहतराम किया, बड़ा कुछ किया, भाई समझ के जैसे भाई वो महाजर भाई और एक हम नुसरत करने वाले थे ना, वो तो बेचारे इज्जत करके आए थे, हम उनकी बड़ी दाद रसी करते थे, बड़ा उनके साथ सलूक अच्छा करते थे और उनके साथ प्यार करते थे, उनके घरों वालों के साथ, उनके दूसरों के साथ बड़ी शफकत करते थे और उनको बसाया घरों में। मैं अपने नौजवानों और भाइयों बहनों से ये एक दरख्वास्त करूँगा कि पाकिस्तान ऐसे नहीं आसर हुआ, ये बड़ी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ देने के बाद आसर हुआ है, बहुत इतनी कुर्बानियाँ दे के आसर हुआ है, इसकी हमें कदर करनी चाहिए, इसकी हमें इतनी कदर करनी चाहिए कि हम ऐसा है कि हमारे नौजवान बच्चे जो है ना वो भूल गए हैं कि ये क्या किस तरह असर हुआ। अब हमारे जो हुक्मरानों से भी एक दरख्वास्त करता जाऊँगा जाती दफ़ा कि देखो ये मुल्क जो होगा, पहले हमारा पहला कब है पर क्या है, पहला हमारा मुल्क है, फिर हम हैं, और हम अगर मुल्क नहीं ना होगा तो हम कहाँ हैं। तो इसीलिए इस मुल्क की इतनी कदर करो, इतनी नौजवानों को मैं दराज करूँगा, इसकी इतनी कदर करो, इसका जो जो कायदे आज़म किया गया वो उसके मुताबिक इस मुल्क को बनाओ, इसको संवारो, इसका एक एक जो ईंट है ना वो भी हमें प्यारी है, इसका मिट्टी हमें बड़ी प्यारी है, ये वतन ऐसे आसान नहीं हो गया कि ये इनको बेचार बच्चों बेचारों को क्या पता कि तुम ये कैसे हासिल हुआ है। बेटो इसकी कदर करो और अपने मुल्क के लिए दुआ करो कि या अल्लाह इस मुल्क को ता क़यामत कैम दैम रख, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे उनकी प्यारी करें तो कामयाबी होगी, जो वो कहते हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो करें। हमारा तो मज़हब किसी से वो जुल्म करना सिखाता ही नहीं है, हमारा मज़हब कहता है जब जंग लड़ो तो उस वक़्त दुश्मन के साथ सीधा सफर हो के लड़ो, शीशा पलाई हुई दीवार के तरह गढ़ जाओ उनके सामने और मुकाबला करो। उसके अलावा तो मुसलमान ये चाहता ही नहीं है कि हुक्म ही नहीं है उसको मारने मुड़ने का। हम एक हैं पाकिस्तान के लिए, हमने इसको संवारना है, मिल के संवारना है। अल्लाह ताला ने कब बनाया था ये माह रमज़ान, और कौन सी शब थी, शब कदर थी, ये उसमें बना हुआ है, इसकी लाज अल्लाह ने रखनी है, इसको अल्लाह ने बनाया, अब अल्लाह ही कायम दायम रखेगा।